प्रॉपर्टी गुरुकुल चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत। ये चैनल आपको रियल एस्टेट में एक्सपर्ट एडवाइस के साथ साथ रियल एस्टेट में ट्रेनिंग का प्रोग्राम भी देता है। हम अपनी वीडियोस में कभी कभी अक्सर फाइनेंशियल अवेयरनेस की बात भी करते हैं। दोस्तों, मैं हूं राजवंत सिंह मोहाली, रियल एस्टेट मेंटर, रियल एस्टेट बुक्स का ऑथर एंड मोटिवेशन स्पीकर। आज का टॉपिक रियल एस्टेट बिजनेस में परचेजर की ना को हाँ में कैसे बदलें। ये वैसे भी इम्पोर्टेंट है, ज़िंदगी में भी इम्पोर्टेंट है। ये ज़रूरी नहीं कि रियल एस्टेट में ये फार्मूला लागू होगा, ये बात लागू होगी। ये जो नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं उनके ऊपर भी लागू होता है। ये उनको भी ना को हाँ में बदलना सिखाया जाता है कि जो बंदा ना करता है, पहले तो आप ये समझो जो आदमी नो है, नो का मतलब होता है न्यू अपॉर्चुनिटी या न्यू ऑप्शन। जब आप एक आदमी आपको ना कर देता है तो आपके पास एक नई अपॉर्चुनिटी आती है कि इस आदमी ये डील को यहाँ पर, इस सेगमेंट को यहाँ ख़त्म करके नई के ऊपर चलें। सो आपने जब कोई आदमी आपको नो करता है तो आपने हताश नहीं होना, निराश नहीं होना। सो ये चलती रहती हैं, नो या यस, ये चलेगी। लेकिन ये देखने वाली बात ये है कि ना क्यों करता है परचेजर, ना क्यों और कैसे करता है, क्यों करता है भाई। ना इसलिए करता है कि आप उसकी सेटिस्फेक्शन के मुताबिक उसको प्रॉपर्टी नहीं दिखा सकते। जब भी कोई परचेजर आपके पास आए तो सबसे पहले उसको जो उसका सेवा पानी करनी है, चाय पानी पिला के उससे ये पूछना चाहिए कि सर आप क्या चीज़ लेना चाहते हो, कहाँ पर लेना चाहते हो, कितना आपका बजट है, कितने एरिए में जो घर आप पसंद करते हो या प्लॉट लेके बनाना है तो किस तरीके की डायरेक्शन वाला प्लॉट पसंद करते हो। यदि आप इन ये बातों का ध्यान रखोगे और इस तरीके की इंटरव्यू ले लोगे तो मेरे हिसाब से वो आपके लिए काफ़ी बेस्ट जो काम हो सकता है। तो ये सबसे पहले ना क्यों करते हैं, क्योंकि हम उसको राइट प्रॉपर्टी दिखा ही नहीं सकते। कई बार उसका इंटरेस्ट किसी और चीज़ में है, हम कोई और दिखा रहे हैं। अभी रमेश्वर वो अपने हिसार से आए थे, मेरे पास ट्रेनिंग भी लेना चाहते हैं, मेरे साथ बहुत दूर से जुड़े हुए हैं, कोई प्रॉपर्टी दिखाओ। तो वो हमने जो उसको प्रॉपर्टी दिखाई वो ना करता चला गया। ना क्यों की उसने, क्योंकि उसका बेंट ऑफ माइंड जहाँ पर है कि मैं यहाँ प्रॉपर्टी लेनी है, हम उसको पढ़ ही नहीं पाए। तो मेन चीज़ ये है कि जो बंदा आपके पास आता है पहले उससे डिटेल में बात करो। हमें ये लगा कि वो उसने इन्वेस्टमेंट करनी है, कहीं भी कर लेगा वो, लेकिन वो बातचीत करने के बाद शाम को जब हम वापस आए तो उससे जब मैंने बात की तो क्या आपने क्या देखा आज, क्या करना चाहते हो, तो वो घूम घुमा के फिर शहर की प्रॉपर्टी में आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो राइट प्रॉपर्टी है, जिस बंदे के कोई माइंड सेट बना हुआ है, हमने उसके हिसाब से राइट प्रॉपर्टी उसको दिखानी है। किसी बंदे का फ्लैट में इंटरेस्ट है तो उसको फ्लैट दिखा दो, किसी बंदे का प्लॉट में इंटरेस्ट है प्लॉट दिखा दो, किसी के बने हुए घर में इंटरेस्ट है वो दिखा दो। कोई आदमी हिम्मत करता है, मेहनत करके पुराना घर लेके उसको तोड़ के बना सकता है, उसको वो दिखाया जा सकता है। किसी बंदे के पास टाइम ही नहीं है और रेडी टू मूव चाहता है तो रेडी टू मूव दिखा, मतलब उसके इंटरव्यू यदि आप ले लोगे तो आपको ये परेशानी नहीं आएगी। हमने जो भी बंदा हमारे सामने आया उसके दिल की बात ज़रूर सुननी है। यदि हम उसके दिल की बात सुन लेंगे तो ये हमारा जो ना का ऑप्शन है ये 50% कम हो जाता है। अगली बात इसमें जो रहती है, कई बार बंदा इंटेलिजेंट होता है, परचेजर इंटेलिजेंट होता है, उसको प्रॉपर्टी भी पसंद आ गई, उसका बजट भी है, सब कुछ है, लेकिन वो अपने अंदर डीलिंग पावर होने की वजह से आपको असेसमेंट ही नहीं होने देता कि ये प्रॉपर्टी मेरे को पसंद है। क्यों? यदि वो आपको ये बता देगा कि ये मेरे को प्रॉपर्टी पसंद है तो आपकी आशाएं ज़्यादा हो जाएंगी, और वो आदमी चाहता है कि डील मेरे मुताबिक हो, डीलिंग पावर यही तो है।
तो उसकी डीलिंग पावर के मुताबिक वो आपको जजमेंट नहीं होने देता कि ये प्रॉपर्टी मेरे को पसंद है। लेकिन कहीं ना कहीं जब आप उससे बात करते हो, लंबी बात करते हो, तो वो कहीं ना कहीं घूम के आके रुकता है, उस प्रॉपर्टी पे रुक जाता है। ये स्टडी उसकी करनी है, उसका साइकोलॉजिकली उसको रीड करना है। ये यदि वो चाहे वो इंटरेस्ट भी नहीं दिखा रहा आपको, आपने समझना है, उसको समझने की कोशिश करनी है, फिर भी वो बीच बीच में यदि वो प्रॉपर्टी की बात करता है कि यार प्रॉपर्टी ठीक लग रही थी मेरे को, ठीक है, ये नहीं कह रहा मेरे को पसंद है, मेरे को ठीक लग रही थी, इस तरीके के शब्द यूज़ करेगा, तो आपने समझ लेना कि वो कहीं ना कहीं इंटरेस्टेड है और आपको वो अपनी डीलिंग पावर की वजह से आपको वो एक्साइटमेंट नहीं दिखा रहा। सो आपने डीलिंग पावर रखनी है। यदि आप परचेजर हो तो आपने ये नहीं बोल देना जाते ही कि यह प्रॉपर्टी हमें पसंद है, कर दो जी, अभी कर दो। कई बार इससे रेट बढ़ जाते हैं, रेट बढ़ा देते हैं। और कई बार ये होता है कि हमें प्रॉपर्टी पसंद है, यदि इसके ये कुछ शर्तें आप लगा दोगे तो फिर वो नॉर्मल डील आपकी हो सकती है। सो मैं भी इसे अपनी ज़िंदगी में ये साइकोलॉजी यूज़ करता हूँ। हालांकि मैं इमोशनल डिसीजन लेता हूँ, कई बार मैं कह देता हूँ नहीं नहीं यार चलो करो इसको डन करो, तो ये नहीं करना। जिसके पास डीलिंग पावर है वो परचेजर के तौर पर सामने वाले को एक्साइटमेंट नहीं देता। और यदि आप इसमें विक्रेता हो, आप बेच रहे हो प्रॉपर्टी, आपको ज़रूरत भी है, पैसे की ज़रूरत है, आप सामने वाले बंदे को जजमेंट ना होने दो। क्योंकि उसको यदि पता लग गया कि आपको पैसे की ज़रूरत है, आप मजबूरी में बेच रहे हो, तो मजबूरी में डील नहीं, वो सिर्फ समझौता ही होता है। तो आपने अपनी डीलिंग पावर को कैम करते हुए, बढ़ाते हुए, यदि आप परचेजर हो तो भी इस बात का ध्यान रखना है, यदि आप सेलर हो तो भी इस बात का ध्यान रखना है कि सामने वाला बंदा आपका फ़ायदा ना उठा सके। सो ये परचेजर है जो ना क्यों और कैसे करता है। ये यदि आपके पास कोई बेस्ट प्रॉपर्टी है तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल, जो कपड़े के सेल्समैन है वो कोई और कपड़ा लेने जाती है, सूट का कपड़ा 300 रुपये से लेके 3000, 5000, 10000 तक जो भी उसका बजट होता है, तो वो उसको दिखाता रहता है कपड़े का हाथ, कपड़े को हाथ ला के लगा के दिखाएगा, कलर का कहेगा कि आपको सूट बड़ा करता है जी, ये ऐसा रहेगा, ये ऐसा सूट का, हर एंगल से दिखाएगा। आपने भी जो प्रॉपर्टी दिखानी है उसको हर एंगल से दिखानी है, उसको पता नहीं कौन सी चीज़ जचनी है। जैसे मैंने पहले माणकपुर की एक वीडियो बनाई थी कि वहाँ पर 22 लाख रुपए का पुराना घर लिया और उसमें से 3 शोरूम निकलते थे और 2 दुकानें निकलती थी। यदि हम परचेजर को वो दिखाने में कामयाब हो जाएं, जो 22 लाख की प्रॉपर्टी है उसका हम 32 लाख रुपया भी ले सकते हैं, 10 लाख रुपया प्रॉफिट आ सकता है, उससे भी ज़्यादा आ सकता है, लेकिन जब हम उसको दिखा ही ना पाए, उसको इवेल्युएट ही ना कर पाए कि ये 3 दुकानें इसमें से बड़ी निकल गई, 2 छोटी निकल गई, कैलकुलेशन करके देखो, यदि कैलकुलेशन वो 50 लाख की निकलती है तो इसका मतलब वो 37-38 लाख रुपया भी लगा देगा, क्योंकि 20-25% मार्जिन काफ़ी हो जाता है प्रॉपर्टी में। मैंने पहले भी बताया कि राजस्थान में कोई प्रॉपर्टी ली, दलाल खरीदने के लिए आए, लेकिन जब हमने उसको नक्शा बना के समझाया कि इसमें इतना कुछ हो सकता है, तो वो बंदा ना ही नहीं कर सका, दूसरे दिन उसने रेट बढ़ाना पड़ा उसको। सो हमने इन बातों का ध्यान रखना है। यदि आपको परचेजर्स की ना नहीं सुननी तो आपने प्रॉपर्टी की पूरी डिटेल कागज पत्र समेत हर एंगल से उसको दिखानी है, समझानी है, हो सके आप उसको नक्शा बना के भी समझा सकते हो, क्योंकि जो जिन रियल एस्टेट दलाल, एक्टिव दलाल हैं, उनके पास इन्वेस्टर रहते हैं, तो जब वो प्रॉपर्टी देखते हैं और करते हैं, उसके नक्शा बना, उसका ऐसा कर, उसका कंपैरिजन करके दिखा, उसको मतलब उसमें मैनिपुलेशन करके दिखा, वो सारा करके कर करा के इन्वेस्टर को प्रॉपर्टी पसंद कर देते हैं, करा देते हैं। तो प्रॉपर्टी जब इन्वेस्टर को पसंद आ जाती है, तो जब डील हो जाती है, तो फिर उसने जो इन्वेस्टर है उसने तो बेचनी है, तो इसका मतलब जो प्रॉपर्टी एजेंट है उसको एक की बजाय 2 डील मिल गई, 2 तरफ से कमीशन मिलेगी। पहले जिसकी प्रॉपर्टी बेच रहा वो भी कमीशन देगा, दोबारा फिर जो आदमी ले रहा वो देगा, यदि दोबारा फिर उसी के हाथ से बिकेगी प्रॉपर्टी, उसको यदि इन्वेस्टर को प्रॉफिट हो रहा है तो वो जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट में से फिर उसको शेयर देगा या कमीशन दे देगा। सो आपने अपनी जो फाइनेंशियल पोजीशन है इस तरीके से कायम करनी है, बढ़िया करनी है, कि आपने ग्राहक की ना को ना में दबा देना है, उसको हाँ में ही बुलवाना है,
ग्राहक की ना को हाँ में कैसे बदलने की बात नहीं, ग्राहक ना कर ही ना पाए, आप इतना कॉन्फिडेंस हो आप में, आई कंटेक्ट के साथ उस सामने वाले के साथ बात करो, बहुत मज़ा आने वाला है यदि आप इस तरीके की डीलिंग सीख जाओगे, इस तरीके को डील करना सीख जाओगे, डीलिंग पावर आपको पता लग जाएगी, तो फिर नथिंग लाइक दैट। सो दोस्तों आज के लिए इतने ही, वीडियो अच्छी लगे लाइक करना, शेयर करना और इसके ऊपर चर्चा करना, कमेंट बॉक्स में कोई सवाल हो वो लिख देना, अभी चैनल पर नए हो या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन जरूर दबा दो, ऐसी वीडियो आती रहेंगी, आपसे मिस ना हो जाए, बहुत जल्द नए टॉपिक के साथ आपके सामने रूबरू होऊंगा, राजवंत सिंह मोहाली, थैंक यू वेरी मच।